अगर आपको इस दुनिया की हर वो चीज मिल जाए जिसे आप चाहते हो तो क्या आप खुश रह पाओगे? बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे अगर इस दुनिया में मुझे सब कुछ मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। फिर भी इच्छाएं आपकी कम नहीं होगी क्योंकि इच्छाएं एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको एक पल के सुकून मिलता है आपका मन फिर उसे चाहने की कोशिश करेगा क्योंकि ये गेम दिमाग का ही होता है। किसी चीज को चाहना या ना चाहना वो हम खुद तय करते हैं। यह सब जानते हैं कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई नहीं कर पाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं। इसका वजह पता है क्या है? हमारा मन, हमारा दिमाग। एक बार भगवान बुद्ध कहीं वचन सुना रहे थे। वहाँ पे एक इंसान बैठा था जिसको वो वचन थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया था। वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने विरोध किया, पर भगवान उन लोगों को शांत करके बोले, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरे मुंह पे थूका है। और उस व्यक्ति से बोले, अगर तुम्हें और भी कुछ करना है तो कर सकते हो। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। सुबह भगवान बुद्ध स्नान करके बैठे ही थे तो वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आके उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें मैं भटक गया था और मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर बैठा। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से बोले, तुमने जो भी मेरे साथ गलत व्यवहार किए मैं उसको कब का बुला चुका हूँ, क्योंकि वो कल था और आज कुछ और है और वह घटना मेरे लिए मायने नहीं रखती और जो चीज मेरे लिए है ही नहीं उस विषय पर बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम भी कल को भूल कर वर्तमान में जियो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हें उस बात को लेकर पश्चाताप हुई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ वैसे ही नहीं करना चाहिए जैसा वो हमारे साथ किया। कभी कभी पीछे मुड़ना भी चाहिए और हर बात को दिल से लगाने से अपने को ही तकलीफ होता है, इसलिए वह बात को दिल से न लगाए जो बात जरूरत की है ही नहीं। उस बात को लेकर चर्चा कीजिए जो आपके लाइफ में होने वाला है या अच्छा होगा। हमें दूसरों की बुराइयां ही नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर क्या अच्छाइयां है ये भी देखनी चाहिए। यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है, किसी के अंदर के गुणों को देखना।